थोड़ा सा कुछ बताइए सर, आपका रिव्यू कैसा रहा? आपसे शुरुआत करना चाहेंगे, हाउ यू लाइक द पेंटिंग सर टुडे? It's a wonderful occasion. It gives an opportunity to view paintings by Mr. Das and his wife. And I knew Mr. Das for a long time, for about nearly 10 years, when I was doing a documentary, it's called Urban Ox, in which I used his paintings on bulls. And that documentary received the best documentary award at Fuji International Film Festival. And if you look at his painting, one thing you very notice, the imaging perception is so strong in his sensitive mind. And he is able to mirror the world with such fineness, with such depth, that always it attracts you. It gives a different impression in your mind about the reality that exists in this practical world. And his use of color, his use of lines, his use of mass, his use of space, and his use of texture are wonderful, because it gives a very emotive feeling to those designs that he has developed and presented it through a painting. देखिए पेंटिंग बहुत ही खूबसूरत है, और पेंटिंग जहाँ तक मैं कोई आर्ट का स्टूडेंट नहीं हूँ, लेकिन जितना मैं समझ पाता हूँ कि पेंटिंग में आप कहना क्या चाह रहे हैं, वो पहुँच क्या रहा है, तो मुझे जो पहुँचा वो बहुत, जैसे बीर साहब ने भी कहा, बहुत वो इमोट करती है हर पेंटिंग। मतलब इनकी पेंटिंग में आप माइथोलॉजी देख सकते हैं, नेचर देख सकते हैं, बचपना देख सकते हैं जो हम खोते जा रहे हैं लगातार। नेचर को लेकर हमारी अवेयरनेस हम लाख है, पर फिर भी हम, मेरे अलावा कोई और करेगा इस सेंस में हम वो करते हैं, और नेचर लगातार हमारी तरफ से लापरवाही से हम उसके साथ ट्रीट करते जा रहे हैं। वो बड़ा खूबसूरती के साथ इन लोगों ने वो किया, एक पूरा सीरीज जो है, जिसको हम कहें एक स्पिरिचुअल, उसमें आपको पहुंचाता है, एक अलग ट्रांसफॉर्मेशन है। आप वो पेंटिंग्स अगर आप देखते हैं तो एक बहुत अलग एक्सपीरियंस है। उनके कलर कॉम्बिनेशंस कह लें, उनको इस्तेमाल करने का तरीका जो है, वो मुझे बहुत अच्छी लगी सारी पेंटिंग्स। सो मेनी आर्टिस्ट नाउ कमिंग आउट एंड दे आर क्रिएटिंग अवेयरनेस थ्रू द पेंटिंग्स, लाइक एनवायरमेंटल इशू, स्पिरिचुअल, दे आर क्रिएटिंग अवेयरनेस। व्हाट इज योर थॉट ऑन दैट? या दैट इज वन ऑफ द प्लस पॉइंट फॉर एन आर्टिस्ट। एनी क्रिएटिव पर्सन विद अ वेरी सेंसिटिव माइंड बिकम्स एन आर्टिस्ट विद एन ऑब्जेक्टिव। यही ऑब्जेक्टिव होता है कि उन लोगों को अवेयर करने के लिए, जो चीज़ आप अभी सामने देख रहे हैं उसका वैल्यू क्या हो सकता होता है, और उसका क्या इम्पैक्ट होता है आदमी का वेलबींग ऊपर। तो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू ए आर्टिस्ट प्लेज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट रोल इन मेकिंग पीपल अवेयर ऑफ द ड्रॉबैक्स एंड the destructive element that keeps pursuing them under the name of modern life, and that's what an artist contributes a lot. Sir, aap kuch kehna chahiye aaj bade log yahan par pahunche hain, aapki kya pratikriya rahi, aapne painting dikhai, kis tarah ka feedback mila aapke painting mein? Mujhe bahut acha laga, kyunki main jo kiya, mera jo soch hai to jo nature ke upar jo hote ja rahe hain, nature, bachpan, हम लोग का घर का माहौल ही ऐसे होता है, पढ़ाई के साथ कुछ कुछ करना है। बंगाल में ऐसे ही होता है, कुछ ना कुछ उसको करना ही पड़ता था। संडे का दिन, संडे को उसको छुट्टी नहीं है तो कुछ करना पड़ता, तो उसी हिसाब से हम लोग पेंटिंग सीखते थे। तब मुंबई आने के बाद जो गांव का जो फीलिंग्स था वो धीरे धीरे खोते गया। मुंबई में मेरे पिछले 15 साल में मैं भी जो देखा था वो भी खोते गया, क्योंकि जहां पर जंगल पहाड़ था वो भी तोड़ के बिल्डिंग का कंक्रीट का जंगल बन गया। तो वही मुझे बहुत डराता भी है, और जो बचपन के जो चाइल्डहुड का जो बचपन खोते जा रहे हैं, ये मेरे बेटे आने के बाद
मुझे लगा कि डेढ़ साल दो साल नहीं होते तो स्कूल भेज देते, उसको बचपन जो है ना जो हम लोग गाँव में मिला था वो तो मुंबई में आने के बाद वो नहीं देखा। तो आप अपनी पेंटिंग के द्वारा किस तरह का मैसेज आप करना चाहते हैं? जैसे कि हमने देखी आप बच्चों के साथ है, एनवायरनमेंट के बारे में आपने अवेयरनेस किस तरह का एक्चुअली ये जो मेरे हैं ये मेरे सीरीज का नाम भी जो पैराडाइज लॉस्ट जिसमें बचपन है, एनिमल है और नेचर है, ये तीनों को मैं एक साथ तो जो ये पिछले तीन सालों से जो मुझे ज़्यादा सताते हैं ये तीनों के। तो सर आप क्या कहना चाहेंगे पर आप सच गुड इनिशिएटिव इन्होंने लिया एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए, और कहीं ना कहीं ये कह रहे हैं जो देखिए बच मतलब मुझे ऐसा लगता है जैसा अभी आपने वीर साहब से भी बात की कि एक कलाकार जो होता है भले वो मतलब कवि हो, पेंटर हो, थिएटरिस्ट हो या फिल्मकार हो, वो वर्तमान समय का इतिहासकार होता है, वो उस चीज़ को गढ़ता है उसमें कलाकृति में। जैसे हम लोग जैसे इन्होंने बनाया कि जिस तरह से हम लगातार बच्चे हमारे मोबाइल में और टैबलेट में बचपन आप होते जा रहे हैं उनको मतलब वो बाहर खेलना क्या होता है वो पता नहीं है, बदलता माहौल है, हालांकि परिवेश भी बदल रहा है लेकिन बच्चों का बचपन जो है वो टैबलेट और मोबाइल में बंद होकर रह गया है, तो वो मिस करना या उस चीज़ को नोटिस करना, उस चीज़ को अंकित कर देना, ये इस समय का इतिहास है। आने वाले समय में जब आज से 100 साल बाद दास साहब की पेंटिंग देखी जाएगी तो लोग ये मानेंगे कि ये पेंटिंग बनाई इसलिए गई कि उस समय बचपना खो रहा होगा कहीं या नेचर के साथ लोग खिलवाड़ कर रहे थे। तो ऐसी कई सारी चीज़ें जो एक कलाकार अपने कला के ज़रिए एक्सप्रेस करता है वो मुझे लगता है वो अपने समय का एक हिस्टोरियन होता है, और इसीलिए कलाएं अमर होती है और वो लॉन्ग लास्टिंग होती है। तो आपकी क्या थॉट्स है आजकल जिन सर ने कहा जितनी बच्चों की लाइफ खत्म होती जा रही है और टैबलेट की ज़्यादा समय दे पाए बच्चों को? सी बेसिकली फ्रॉम अ सेंसिटिव माइंड पॉइंट ऑफ व्यू देयर आर टू थिंग्स व्हिच पीपल ट्राई टू एक्सप्लोर, बेसिकली यू आर ट्राइंग टू एक्सप्लोर द यूनिवर्स, इन दैट प्रोसेस you are trying to find life in different levels, different forms. There is your sachai jo hota hai wo ek cheez bahut se log samajh nahi pate hain sachai kya hai, baaton se bolte hain hum sachai kya hai magar sachai ka jo meaning hai, sachai ka jo understanding hai, sachai ka jo depth hai, aur reality is again something very different. Reality is only ye aankhon ka samne ek tarika se jo samne dikhai padta hai wo to reality hai hi nahi, because reality is something else. Right deep down your inner self there is a heart also which is listening to you and trying to find a different way of living, and if you do not listen to your heart or do not listen to your intelligence, what you are trying to do, you are creating a very destructive element within yourself without your awareness, without your realization. And this is what the artist brings it forward, because it gives from a different point of view, different angle, and through his own sensitive point of view he is able to use colors, as I told you, the colors, lines, mass, space and texture, all these elements to bring a new sensitivity to the human mind. And that is why an artist always has a tremendous role in bringing the truth into the forefront, and people should be able to share that truth and understand and make their life more valuable rather than making more destructive. Okay sir, aage ki kya hai aap jiske aap jaangi art mein aapne itne bade level mein aapne painting kiya, aage ki kya hai ki aap pure india mein alag alag state mein likh rahe hain aapne paintings ko create kar rahe hain? Kyunki main to kaam karte hi raha hu desh ke kuch iske par kar raha hu dheere dheere ke last mahine mere ek doha mein tha Qatar mein shuru इसी सीरीज के ऊपर। और सर लोग आए थे, सीनियर सर लोग यहाँ पर पहुँचे, उनके लिए आपकी क्या प्रतिक्रिया रही है और उनके लिए आपकी क्या कहना चाहिए? इन लोग तो इंस्पिरेशन है, तो हम लोग मेरे कोई तो आइडियल होना चाहिए, तो वीर साहब से मैंने बहुत पहले से मिल चुका हूँ उस समय, इस समय 10 साल, तो अच्छा लगता है। सर ऐसे जो आर्टिस्ट होते हैं आपको भी लगता है इस तरह के आर्टिस्ट को मौका मिलना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, जहांगीर आर्ट जैसी गैलरी
ओपन होनी चाहिए जिससे हर आर्टिस्ट को अपनी पेंटिंग लगाने का मौका मिले, क्योंकि हमने देखा कि आर्ट गैलरी काफ़ी कम है। अगर हम बात करें आप क्या सोचते हैं, मतलब जो नए आर्टिस्ट होते हैं उनको मौका मिलेगा? निश्चित तौर पर, मतलब जैसा आपने कहा कि आर्ट गैलरीज कम है और बेसिकली दिस आर द क्लासिकल आर्ट्स, मतलब यहाँ तक ढूंढते हुए वो आदमी आएगा जिसको उसकी कीमत पता है, उसको उसको वो फील कर सकता है। यहाँ पर सनी देओल की या सलमान खान की फिल्म देखने वाला नहीं पहुँचेगा, है ना, जो जानता है कि वो क्या देखने जा रहा है वो यहाँ आ जाएगा, वो कहीं भी ढूंढता हुआ आएगा। और जैसा आपने कहा गैलरीज कम है, निश्चित तौर पर गैलरीज कम है, लेकिन अब जिस तरह से आर्टिस्ट बढ़ रहे हैं उसका एक मार्केटेबिलिटी और कमर्शियल एलिमेंट भी बढ़ना ज़रूरी है। वो उसके इसमें मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, पर ग्रो तो हो रहा है, निश्चित तौर पर ग्रो हो रहा है मार्केट। दास को प्रोत्साहित किए, बहुत अच्छा लगा उनके पेंटिंग्स को, उनके पेंटिंग्स बारे में बोले बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैं और दास तो हम एक साथ ही खैरागढ़ यूनिवर्सिटी से पढ़ाई किए हैं, दोनों बैचमेट रहे, क्लासमेट रहे। ये है कि मैं म्यूज़िक लाइन में आ गया और वो पेंटिंग्स में आ गए। उन्होंने बहुत अच्छे बड़े बड़े लोग एम एफ हुसैन साहब के साथ भी एग्जीबिशन किए हैं, अच्छा लगता है। और आज के एग्जीबिशन उनका एक ब्रांड है बुल्स, तो दास और बुल्स एक मतलब एक ब्रांड है, दोनों एक दूसरे की एक सिक्के के दो पहलू हैं। लेकिन आज उन्होंने एक नेचर को लेके, मुंबई के जितने नेचर उसको लेके गए हैं, बहुत अच्छा लगा कि यहाँ आज जितने कंक्रीट बन रहे हैं इससे सारे जंगल जहाँ नेचर जो ख़त्म हो रहा है उनके बारे में उन्होंने जो पेंटिंग्स बनाए हैं बहुत अच्छा लगा, और सर लोगों ने भी उनको सराहा, अच्छा लगा। वाली पेंटिंग्स या कुछ था नहीं, मैं देख रही हूँ शादी के बाद से इनको, मेरे हस्बैंड को, उसके बाद से मैं भी सीख रही हूँ इनके पास ही। और सीखते सीखते मुझे भी लगा कि अभी टाइम है तो मैं भी कर लूँ, ऐसे करते करते मैं भी करती गई। पहले ग्लास में करती थी, कभी कभी कैनवास में, उसके बाद ग्लास में बहुत टाइम लगता था, जो मेरे दोनों बच्चों को संभल के नहीं होता है। तो इसके लिए मैं सोचा कुछ जल्दी हो जाए ऐसा करें, तो इसलिए मैंने इसके इस रीच में किया। बस इतने हार्ड वर्क करते हैं, उनके लिए क्या कहना चाहिए? आपके हस्बैंड इतने हार्ड वर्क बहुत करते हैं, दिन रात करते हैं, सुबह 5 बजे से रात के 10 बजे तक करते हैं। ठीक है, चलिए। आज आप खुश हैं? मतलब हाँ, खुश है, बहुत खुश है। प्रोत्साहन करने यहाँ पर पहुँचे हैं, सर पहुँचे हैं, परास्त पहुँचे हैं, क्या कहना चाहिए? क्या करेंगे, और भी आगे और भी लोग आए देखे, बस इतना ही। थैंक यू।